और अब हम निकल चुके हैं काटोल से, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। और अब हम जा रहे हैं सालबर्री, और रास्ते में हमें रुई के खेत और संतरे के बाग देखने को मिले। बहुत ही मज़ा आ रहा है इस टाइम पर हमें। और ये देखिए, बकरियां भी देखने को मिली। और हम अपना सफ़र तय करते हुए निकल पड़े हैं स्थान के लिए। और ये स्थान, सालबर्ली स्थान, उस जगह पर है जहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। और हम पहुंच गए हैं यहाँ पर गौरव व्यास बाबा जी के आश्रम में। और ये है सालबर्ली। यहाँ पर पांचों अवतारों की मूर्तियाँ दिखी हमें। ये देखिए, पांचों अवतार के विशेष भी उनके आगे रखे हुए हैं। और नीचे बैठ के हमें खाना परोसा जा रहा है अपनी थाली में, और हम यहाँ पे खाना खाते हैं। और आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सूरत के पास है, सूरत और बड़ौदा के बीच में, वहाँ के महाराजा थे, महाराजा के बेटे थे। कौन है? कुमार थे। कौन? चक्रधर पांडे जी का नाम है। उस टाइम उनका नाम था हरि पांडे, उनके पिता का नाम था विशाल देव। तो वहाँ से निकल के यहाँ पास में जगह वहाँ आए, वहाँ से युद्धपुर आए। युद्धपुर में श्री गोविंद प्रभु जहाँ अभी हम जा रहे हैं, यहाँ वहाँ से उन्होंने ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया, उनको अपना नमित गुरु मान के फिर वहाँ से यहाँ आए। 12 वर्ष इस स्थान पर बैठे, इसको कहते हैं मौन दिवस। यहाँ पे भगवान बिल्कुल मौन रहते थे। और जो शिकारी लोग थे, खरगोश छोड़ते हैं, तो खरगोश आके वो नीचे वाले स्थान पे है, वहाँ पे आके भगवान बैठे होते हैं, उनके जल के नीचे बैठ जाता है। फिर उसके बाद वो शिकारी और शिकारी के बच्चे कहाँ पर जाते हैं, बच्चे इसके पीछे तो हमारे इसको छोड़ दो। फिर भगवान कहते हैं तीर्थ शरण आ गया ताई मरण से, हमारी शरण में आए हुए को क्या मृत्यु हो सकती है। वो खरगोश आज भी है, हाँ है, इस रूप में ये नहीं बोल सकते। और फिर भगवान, फिर वो जितने भी वीर लोग थे उन्होंने भगवान से उपदेश लिया, ज्ञान हासिल किया और वचन दिया कि आज के बाद हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, कोई ईट मच्छर अंडा वगैरह ये चीजें हम नहीं खाएंगे।
भगवान को यहाँ पे उन्होंने वचन दिया था। इन्होंने भील लोग जो होते थे ये वो स्थान है। उसके नाखून भूल गए थे और उसके बाल जो है जब वो चलती थी तो जमीन में लगते थे। स्वीकार करावा स्वीकार करावा जैसे जैसे स्वीकार के लिए क्या प्रकारी स्थानीय स्वीकार करावा स्वीकार करावा नम्र भगवान श्री चक्र स्वामी की जय। जय मंगल मंगला परम मंगल रूपा परम मंगल रूपा हे स्वामी राया हे स्वामी राया मस्तिनाचे निर्हेतु स्वीकार करावा स्वीकार करावा जैसे भट्टोबासाचे वैसाचे औसाचे वीडावसर आरोगना आरोगना स्वीकार केले स्वीकार केले या प्रकारे या प्रकारे ओ बार जलानी है महात्मा जी भार लगानी है जलानी है रिद्धि दूर मम्मा के लग जाएगा इसे बस भाई को दे दो बाहर चल के करूंगा मैं और तो जीत करते हैं मैं जीत थोड़ी करूंगी बाहर लगा दे राशि हाँ बाहर ही लगाएंगे अंदर जलानी ही नहीं बोल उन्होंने मना किया अच्छा नहीं अंदर जल के यहाँ पे दिखा के फिर बाहर लगा सकते हैं दिखा के और बाहर लगाएंगे चलो और मौन देव का स्थान करने के बाद हम जाएंगे अगले स्थान पर और उस स्थान का नाम है शशारक्षण और बीच में ये देखिए नहर भी देखने को मिली हमें पहाड़ियाँ भी और चलते हैं आगे और जिस स्थान पे हम जा रहे हैं वो पहाड़ियों के बीच में है और ये हम पहुँच गए शशारक्षण स्थान।
स्वीकार करावा जैसे स्वीकार भगवान अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और वीडियोस की तरह तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।